अच्छा देखो, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कन्वर्जन के ऊपर है. कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने तरह से रिडीम कर सकते हैं. एक लमसम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के 5 साल बाद पूरा पेमेंट कर देंगे, एक इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है. एक होता है कन्वर्जन, मतलब डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसका पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है. देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो कैसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो क्या बोल रहा है, कंपनी हैड इश्यूड 20,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 इच. तो 20,000 टोटल डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है. इंटरेस्ट रेट है 13%, 100 रुपये वाला डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है. द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई. 1 अप्रैल में इशू हुआ है और रिडीम होगा 1 जुलाई 2002, ठीक है. द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. मतलब जब भी पे होगा, एक डिवेंचर पे कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये लिया हुआ था, 105 देना पड़ेगा. इंटरेस्ट तो अलग है, 105 रुपीज टोटल रीपे करना पड़ेगा जब रीपेमेंट होगा. एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इन टू इक्विटी शेयर. क्या बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाएगा जब डिवेंचर रिडीम होगा, कि जो है, जो भी डिवेंचर है उनके पास, किसी के पास कितना भी डिवेंचर हो, वो टोटल डिवेंचर का 20% जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है. मान लो ये एक पर्सन है जिनके पास ये कंपनी का 100 डिवेंचर है, तो वो अपने कितने डिवेंचर को कन्वर्ट करवा सकेंगे, 20%, ठीक है. 20% डिवेंचर को कन्वर्ट करवा सकेंगे. नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है. मतलब जो इक्विटी शेयर इनको मिलेगा डिवेंचर कन्वर्ट करके, उसका वैल्यू होगा 10 एट ए प्राइस ऑफ 15 पर शेयर. नॉमिनल वैल्यू 10 मतलब फेस वैल्यू, और प्राइस 15 रुपए मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब ये प्रीमियम में इशू होगा. डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2,500 डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. डिवेंचर होल्डर्स जितने भी थे, टोटल तो 20,000 डिवेंचर इशू हुआ है, उसमें से 2,500 डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि जो होल्डर हैं, अब ये 2,500 डिवेंचर एक जन होल्ड किया है कि 10 जन, वो तो हमें नहीं बताया. हम लोग नंबर से चेक करेंगे कि 2,500 डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है. वो ऑप्शन क्या था, जो कि इक्विटी शेयर का कन्वर्जन था, वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है. तो बोलो कितना कन्वर्जन होगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर फिर कितना बनता है अगर 20,000 डिवेंचर इशू. हाँ बोलो, 17,500 17,500. 20,000 में अगर 2,500 डिवेंचर का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑप्शन ये लोग एक्सरसाइज नहीं करे, क्योंकि ये ऑप्शन है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है. तो 17,500 यानी 17,500 डिवेंचर का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब 17,500 पूरा होगा, मतलब ये तो टोटल डिवेंचर जो बचता है, जो कन्वर्टेबल हो सकता है, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन ऑप्टेट कर रहे हैं. लेकिन बोला गया है कि अगर किसी के पास 100 है तो वो 20 डिवेंचर ही कन्वर्ट करवा सकता है. तो 17,500 में कितना डिवेंचर जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, ये टोटल कन्वर्टेबल नहीं हुआ, 3,500 3,500, ठीक है. यही चीज हम लोग को यहाँ पर समझना है. टोटल इशू हुआ था 20,000, जिसमें से ऑप्शन लेने के लिए मना कर दिया गया है, 2,500 डिवेंचर का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. तो जो 17,500 है वो कन्वर्जन का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, फुल नॉट फुल्ली कन्वर्टेड, 20% कन्वर्ट होगा. तो 20% में जितना बनेगा उतना कन्वर्जन होगा, दैट इज 3,500, ठीक है. अब 3,500 को जब हम लोग कन्वर्ट मतलब रिडीम करेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, रिडीम करेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब देखो ये तो कन्वर्जन है, लेकिन हमें वैल्यू तो निकालना पड़ेगा कि 3,500 डिवेंचर का वैल्यू क्या बनता है, चाहे वो शेयर में कन्वर्ट हो चाहे किसी में भी, वैल्यूएशन में तो चेंज नहीं होगा, उसका कन्वर्जन क्या होगा. 3,500 ये क्या हो गया, ये नंबर हो रहा है ना. तो 3,500 इंटू कितना हो जाएगा, 50 105, 105 है ना. कितना रिडेम्पशन पे कितना दिया जाएगा, 100 और 5 रुपए का प्रीमियम, 105 कितना हो जाएगा बताओ. 367,500 367,500 ये वैल्यूएशन हो रहा है, मतलब इतना तो पे करना ही पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को. अब पे नहीं करके उसके बदले शेयर देंगे. एक एक शेयर कितने का है, इशू प्राइस ही काउंट करना चाहिए हमेशा, 15. तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे पता चलेगा 24,500, 500 ठीक है.
अब यही वाला चीज हम लोग बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकेंगे, जो फुल मतलब इसके साथ और भी कुछ रहेगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, इसको हम दिखा देते कैसे करके इसको लिखना पड़ेगा। तो देखो फिर से हम बता देते, क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ऑफ कन्वर्जन अगर पूछे तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 20,000, ठीक है, माइनस कर देंगे जो कन्वर्ट नहीं होगा। तो डिवेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्टेट फॉर कन्वर्जन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड, तो 17,500 ऑप्शन फॉर कन्वर्जन। इतना कन्वर्जन जो है हो सकता है, बट फुल्ली कन्वर्टेड नहीं है, पार्टली है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन नहीं लिखते, इसको लिखेंगे ऑप्शन फॉर कन्वर्जन तो 20% है, यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर होल्डर ऑप्टेट फॉर कन्वर्जन। इतना लोग ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं, बट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन फुल्ली नहीं है, 20% है। तो 20% अगर होगा तो इसी पे 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड 20% ऑफ 17,500, दैट इज 3,500, इतना, ठीक है। रिडेम्पशन वैल्यू उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू कितना आ रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू आ रहा है प्रीमियम के साथ है, ठीक है। तो रिडेम्पशन वैल्यू पर डिवेंचर ऐसे लिख देते हैं, पर डिवेंचर होता है 105 करके, ठीक है, 100 रुपए या 5 रुपए का प्रीमियम। तो 3,500 इंटू 105 टोटल वैल्यू, तो ये 367,500 हो जाएगा टोटल वैल्यू। अच्छा, इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10, ठीक है, ईच इशूड ऑन कन्वर्जन, लेकिन इश्यू प्राइस क्या है, रुपीज 50, ठीक है। तो टोटल वैल्यूएशन जैसे हम लोग डिवेंचर इश्यूड अदर देन कैश करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एक डिवेंचर के बदले 15 रुपए का शेयर देना पड़ेगा, तो 367,500 के बदले 24,500 शेयर्स जो है देना पड़ेगा, ठीक है, एक डिवेंचर के बदले 15 रुपए का इक्विटी शेयर। ये हो गया कन्वर्जन, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेटर पे भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अच्छा, अब इस पे लास्ट हम लोगों ने 4 तक किया था, ये देखो आज 5, 6 ये दो करेंगे जो कि बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन, हम लोगों ने बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसके आगे नहीं किया था। इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीटेड है, इलस्ट्रेशन 5 में देखो, द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, अनलिस्टेड है तो बोलो क्या क्या बनेगा, अनलिस्टेड है तो क्या क्या बनेगा। लास्ट दिन सिखाया था ना, दो चीज बनता है, DRR और DRRI, तो अनलिस्टेड है तो क्या बनेगा, एक या दो, दोनों बनेगा, अनलिस्टेड में दोनों बनता है, ठीक है। तो DRR और DRRI दोनों ही बनाना पड़ेगा, रेट भी मैंने बता दिया था 10 और 15, बैंकिंग एज एट 31st March 2001 इज एज अंडर। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड, ये जो पैटर्न रहता है बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल 1 यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्या क्या है। ऑथराइज्ड है 30,000 शेयर्स 10 इच फुल्ली पेड, बट इशू किया गया है 20,000, 10 इच फुल्ली पेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
यहाँ पर शेयर कैपिटल में और भी कुछ था क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। फिर है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का पॉइंट नंबर टू, नोट्स टू में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है और कुछ नहीं है। थर्ड में है नॉन करेंट लाइबिलिटी। सेकंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, 12% डिवेंचर है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब हम लोग ये ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल पे कोई नोट्स नहीं बना हुआ है। गुड इवनिंग प्रिया। देखो ट्रेड पेबल में कोई नोट्स नहीं बना हुआ है। एसेट्स में, नॉन करेंट एसेट में पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे नोट्स बना हुआ है। देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी प्लांट है। बस एक ही है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस पे नोट बना हुआ है। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड मिला के 2,30,000। आगे क्या बोल रहा है देखते क्वेश्चन। द एनुअल जनरल मीटिंग, इट वॉज रिजॉल्व। एनुअल जनरल मीटिंग जो लॉ वगैरह में तुम लोग पढ़ते हो कि एजीएम, एजीएम में क्या डिसाइड किया गया, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 10 शेयर्स at 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लोग बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि कंपनी ने डिसाइड ये किया है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन अभी डिवेंचर का बात नहीं आया है। अभी बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो एक शेयर 10 रुपए से परचेज कर, मतलब 10 रुपए वाला शेयर परचेज कर सकते हैं जिसका मार्केट वैल्यू 15 है। लेकिन कितना शेयर मिलेगा, 4 शेयर्स, एवरी 4 शेयर्स, ठीक है। एक मिनट, क्या पढ़ लिया मैंने, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1, अच्छा, एक शेयर जो है एवरी फोर शेयर्स, मतलब 4 शेयर अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसे 1 शेयर मिलेगा। इस लाइन का मतलब होता है अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसे 1 शेयर मिल जाएगा। मतलब ये कंपनी ऑफर कर रही है, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 rupees 10 shares at 15 फॉर एवरी 4 शेयर। हाँ बोलो। ठीक है, राइट इश्यू हो रहा है? राइट इश्यू तो नहीं बोला यहाँ पर कि राइट शेयर इशू कर रहा है। कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पहले ऑप्शन दे रही है कि हम फिर से इशू कर रहे हैं, अगर आपको खरीदना है तो आपको ही पहला ऑप्शन जाता है, ठीक है। राइट शेयर में बेसिकली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर राइट शेयर कुछ नहीं बोला है। शेयर जो इशू हो रहा है इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। वैसे राइट शेयर में इक्विटी शेयर भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली तो नहीं बोला है कि ये राइट शेयर है, बट बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिया जाएगा और उसके बाद बोनस भी इशू किया जाएगा। तो ये मतलब पूरा स्कीम है। देखो पहले बोल रहा है कि हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं। कैसे, 4 शेयर अगर है तो 1 शेयर आप खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद बोनस भी हम लोग इश्यू करेंगे। बोल रहा है ना, हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। और ये ऑप्शन सारे शेयर होल्डर्स ने ले लिया, मतलब सारे शेयर होल्डर्स ने नया रीइश्यू पे और भी शेयर्स ले लिया, 4 के बदले 1। तो बोलो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी को कितना शेयर देना पड़ेगा, ऑलरेडी कितना शेयर है कंपनी का? मैम अभी तो 30,000 है, पर इशूड वाले 20,000 है। 30,000 ये तो लिमिट है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल, इतना तक। हाँ, लेकिन इशू है 20,000, मतलब शेयर होल्डर अभी कितने हैं, 30,000 नहीं है, 20,000 शेयर होल्डिंग पे है। तो 20,000 शेयर्स पे हमें कितना मिलेगा, अगर 4 है तो हम लोग बोल रहे हैं 1 लेके जाइए, तो 20,000 पे कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 और भी इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा, ठीक है। कितना रुपए आ जाएगा कंपनी को, ये शेयर इशू करके कितना रुपए मिल जाएगा बताओ, कितने का शेयर है? 15 रुपए का मैम। 15 रुपए, तो अगर फेस वैल्यू 10 है तो इसका हमें एंट्री दो तरह से डालना पड़ेगा। 10 रुपए चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और 5 कहाँ जाएगा, प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे जाएगा, ठीक है। द ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय द ऑल शेयर होल्डर्स, इसलिए हम लोगों ने 20,000 पे किया। अगर कुछ कम ज्यादा बताया जाता तो उस तरह से हो जाता, ठीक है। तो ये गया पहला ट्रांजैक्शन। फिर देखो बोनस का बात बोला गया था ना, तो बोनस इशू हो रहा है, इशू 1 bonus share फॉर एवरी 5 shares होल्ड। तो किसी के पास अगर 5 शेयर है तो उसे 1 bonus share मिलेगा। तो किसे बोनस शेयर इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। अभी कितने सारे इक्विटी शेयर होल्डर है, पहले 20,000 थे, अभी उस 20,000 और हाँ और भी 5,000 बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 25,000।
अब ये 25,000 शेयर पे बोनस इशू करेंगे. बोनस का सिस्टम है, 5 है आपके पास शेयर तो आपको एक बोनस शेयर मिल जाएगा, तो एक के बदले 1/5, तो 25,000 के बदले कितना मिलेगा? 5,000 बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, बोनस शेयर का सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग बोनस शेयर पढ़ेंगे तो हम बता देंगे. ठीक है, इसके बाद शायद वही टॉपिक ले, आज के बाद आज जो है डिवेंचर आयुक्त की खत्म हो जाएगा. और अगर नहीं भी होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, बाकी होमवर्क दे देंगे. तो ये देखो बोनस शेयर में क्या होता है बता देते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बोनस नहीं करवाया था. तो बोनस शेयर फ्री में दिया जाता है. बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री का शेयर. ठीक है, मतलब जो शेयर होल्डर है उन्हें फ्री का शेयर मिलेगा. तो शेयर इशू का एंट्री क्या होता है, नॉर्मली शेयर इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो इक्विटी शेयर इशू हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस होता है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हम अभी इक्विटी का ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शेयर इशू होगा, लेकिन फ्री में शेयर इशू होगा, बोनस का बात कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये फ्री में नहीं हुआ. ये तो 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए, ये तो पैसा आ ही जाएगा. ठीक है, 15 रुपए करके आ जाएगा 5,000 शेयर पे जो नया इशू हुआ है, हम इसका बात कर रहे हैं बोनस का. तो बोनस शेयर अगर इशू करेंगे तो अगर हम लोगों का जो बोनस शेयर हो रहा है तो उससे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो बनेगा, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, लेकिन बैंक क्या डेबिट होगा? अगर फ्री में शेयर इशू कर रहे हैं क्या बैंक डेबिट होगा? सोचो, नहीं पता है तो क्या हुआ, हम लोग लॉजिक के साथ में तो नहीं होगा. डेबिट तो वो होगा ना, बोनस क्या कहते हैं शेयर होल्डर होगा ना. नहीं, शेयर होल्डर क्यों डेबिट होगा, शेयर होल्डर डेबिट नहीं. डेबिट तो वो होगा मैम, क्या कहते हैं आपको, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पीएल. हाँ, तो सीधा बात है कि रिजर्व होता है. ठीक है, अब क्या क्या रिजर्व होता है वो हम लोग बोनस में एक बार डिटेल्स में पढ़ लेंगे. अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में एक बोनस दे दिया है तो हमें करना पड़ेगा. तो इतना समझ के रखो, जो भी रिजर्व होता है, ठीक है, वो रिजर्व को हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग पैसा नहीं मांग सकते. फ्री में बोनस दे रहे हैं फिर बोलेंगे पैसा भी दो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो फ्री में दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है, उसके बदले रिजर्व जो है वो कम हो जा रहा है. अब कौन कौन सा रिजर्व यहाँ पर यूज होगा बता देंगे. ठीक है, अब बोल रहा है टू रीपे द डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%. अब बोल रहा है डिवेंचर रीपेमेंट हो रहा है 3% प्रीमियम के साथ. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड. तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले नया शेयर इशू का जर्नल एंट्री होगा. तो शेयर इशू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट ये वाला बोल रहे हैं. ठीक है, ये जो शेयर इशू हुआ एग्जिस्टिंग वालों को हम लोगों ने शेयर दिया 1/4, तो एंट्री क्या होगा इसमें, तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना करके आएगा, 5 है ना, और यहाँ पर कितना होगा 10, हाँ, और यहाँ पर टोटल 15. और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया गया है 1/4 के हिसाब से, तो 20,000 / 4 मतलब जो होगा उसी को हम बाकी जगह पे लिख देते हैं, ये जस्ट समझने के लिए. ठीक है, वर्किंग नोट करके करना है, हम यहाँ पर ही दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जिन लोगों को लिख के करना है वर्किंग नोट करके ही करो, ऐसे मत करो. ठीक है, लेकिन हम ऐसे दिखा दे रहे हैं क्योंकि वर्किंग नोट कर सकते हैं. तो 15,000 × 5 कितना हो गया, 75,000. 5,000 × 10 50,000. ये हो गया 25,000. तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग इसका अगर नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग राइट शेयर के तरह ही ये इशू हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखे, बीइंग शेयर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ए राइट शेयर, ऐसे लिख देते हैं. राइट शेयर है ऐसा कन्फर्म तो नहीं बोला है, लेकिन राइट शेयर ही ऐसे दिया जाता है, उसमें कंसेशनल पे या कभी कभी थोड़े जीरो वैल्यू पे भी दिया जाता है. ठीक है, राइट शेयर भी है, तो राइट शेयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. राइट शेयर एक्चुअली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ही पहले ऑफर किया जाता है, उनका अधिकार है, राइट है इसीलिए. ठीक है, तो एज ए राइट शेयर
in the ratio of 1:4 for rupees 15 face value at the rate of 10. ठीक है, बाकी नरेशन हम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. बीइंग शेयर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जैसे भी चाहो लिख के समझाने से मतलब है कि हम लोग, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू किया है. रेशियो क्या है, 1:4, मतलब 4 शेयर के बदले 1 शेयर, 15 रुपए वाला जिसका फेस वैल्यू है 10. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे. तो बोनस शेयर इशू करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटीज देख लेते हैं क्या क्या है. ठीक है, हमारे पास रिजर्व सरप्लस में क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है. तो बोनस इशू करने से रिजर्व सरप्लस में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है तो हम लोग पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करते हैं. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं यहाँ पर देख सकते हो, बट अभी अभी शेयर इशू करने से सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ है. इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया था कि बिफोर बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस शेयर इशू करने के पहले ही ये वाला शेयर इशू किया गया है जो कि राइट शेयर है. ठीक है, राइट शेयर के तरह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर का ऑफर किया गया है. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अब जेनरेट हो गया है, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा. अब देखो कितना यूज करना है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो बोनस कितना हो रहा है यहां पर चेक करते हैं, यहां पर ही एक बार दिखा देते हैं बोनस शेयर कितना हो रहा है. हाँ, अभी एग्जिस्टिंग टोटल शेयर होल्डर कितने बन गए, 20,000 थे, 25,000, 20,000 थे पहले से और 5,000 शेयर होल्डर आ गए और 1/5, तो 5,000. ठीक है, अच्छा अब बोनस शेयर का वैल्यू कितना लगाएंगे, कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर कितने का होता है, 10, तो 50,000 होगा. ठीक है, तो हमें 50,000 का रिजर्व यूज करना पड़ेगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 25,000 है पूरा ले लेंगे अब, लेकिन पूरा तो नहीं हो रहा है, मतलब पूरा लेने के बाद भी डेफिसिट हो रहा है, तो पीएल से ले लेंगे. पीएल में 1,20,000 है, वहां से कितना लेना पड़ेगा फिर, 25,000 बैंक अकाउंट डेबिट के जगह रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि फ्री का शेयर है, फ्री में कुछ इशू करने से हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम होगा, हमारे पास जो पैसा है वही कम होगा, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरा इतना इतना रिजर्व कम हो गया. अच्छा अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर इसका ड्यू एंट्री करके भी लिख सकते हैं. ड्यू एंट्री यानी ऐसे टू बोनस टू शेयर होल्डर, हम लोग शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हैं 50,000 कैसे, ये वाला 5,000 एट द रेट ऑफ 10 करके, बोनस शेयर 50,000 एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 5,000 एट द रेट ऑफ 10 50,000. अब इसका फिर रिवर्स एंट्री दे देंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगा बोनस टू बैंक. हाँ बैंक नहीं, बैंक क्यों होगा, टू बैंक मतलब तो पैसा चाहिए, शेयर कैपिटल. हाँ शेयर कैपिटल बनाएंगे, बोनस शेयर इशू किए हैं यानी और भी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है बट पैसा नहीं आया. ये हो गया 50,000. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हमें रिडेम्पशन करने के लिए बोला था, पॉइंट ए और बी का एंट्री हम लोगों ने कर लिया. पॉइंट सी में बोल रहा है कि रीपेमेंट करना था डिवेंचर का 3% प्रीमियम के साथ, तो 12% डिवेंचर. अच्छा डिवेंचर रिडीम करने के पहले रूल्स क्या है कि डीआरआर बनाओ और डीआरआरआई बनाओ, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है दोनों बनेगा, तो हम लोग पहले डीआरआर बना लेते हैं. डीआरआर कहां से बनता है, पीएल से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर. कितना बनाना पड़ेगा, जितना डिवेंचर है उसका 10%, जितना डिवेंचर रिडीम होगा मतलब फुल डिवेंचर का 10%, तो देखो कितना है 1,20,000, इसका 10%, कितना डीआरआर बनेगा 12,000 का. अच्छा अब इन्वेस्टमेंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी एक खरीदना पड़ेगा, मतलब इसे एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी हमें एक खरीदना पड़ेगा ना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना खरीदना पड़ता है, 15%,
कितना हो जाएगा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेट देखा था ना, तो DRR 12,000 का बनेगा, DRRI 18,000. रिडेम्पशन करना है तो ये बना लेना है, ठीक है? अब हम लोग रिडेम्पशन का एंट्री दे देंगे, ठीक है? पहले ड्यू करेंगे कि कितना रिडीम करना है, तो ड्यू कर लेते हैं. 12% डिवेंचर था, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना था? पूरा ही रिडीम हो रहा है, 1,20,000. अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम भी देंगे, कितना हो जाएगा? 3%, मतलब 1,20,000 का 3% कर लो, 3,600 टू डिवेंचर होल्डर, कितना हो जाएगा? 1,23,600. ये ड्यू कर दिया, ठीक है? ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिवेंचर जो इन्वेस्टमेंट है इसे बेच देंगे, जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा, तो बेचने से पैसा आ जाएगा, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ठीक है? कितने का है? कुछ नहीं बताया है तो एज इट इज प्राइस में ही 18,000 ये सेल कर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद प्रीमियम है तो रिडेम्पशन जो हम लोगों ने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 36,000 होगा और इसमें टोटल में आएगा 1,56,000. 3%. अच्छा, ये 18,000 हो गया. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीमियम का भी देख लेते हैं. प्रीमियम जो 3,600 हमें पे करना है उसे भी हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600, ठीक है? अच्छा, अब टू बैंक पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,23,600, ठीक है? देखो क्या क्या स्टेप हो गया. पहले हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया, क्वेश्चन में बताया था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डिंग बढ़ गया. उसके बाद बोनस शेयर इशू किया, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम और पीएल यूज हुआ, ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो जनरेट हुआ था खत्म हो गया, पीएल में से कुछ चला गया. फिर हम लोगों ने पीएल से डीआरआर क्रिएट किया, फिर डीआरआरआई परचेस मतलब डीआरआरआई इन्वेस्ट किया जो रेट है उसके हिसाब से, फिर डिवेंचर जो पे करना है उसे ड्यू कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था उसको भी पीएल में चार्ज कर दिया. टोटल 1,23,600 का पेमेंट यहाँ पर दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है? अब बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं. देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सेम इसी फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे. देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बनाते जाएंगे. पर्टिकुलर नोट्स नंबर यहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट नहीं पता कि कितना तारीख है, ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर, तो जैसे रहता है वैसे ही लिखना है. इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहले, ये तो हेडिंग है. अच्छा, इसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड. अच्छा, उसके बाद आ जाता है शेयर कैपिटल. अब इसमें नोट्स बनेगा, तो नोट्स नंबर हो गया ये अमाउंट का कॉलम, तो यहाँ पर आई थिंक बन जाएगा. पीछे थोड़ा सा जगह रखते रख देते हैं, फिर यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेंगे, मतलब नोट्स, जो नोट्स टू अकाउंट्स होगा ये यहाँ पर से बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स. सबसे पहला नोट्स बन रहा है इसका शेयर कैपिटल का,
तो शेयर कैपिटल नोट्स भी हम लोग देख के ही बना सकते हैं, ये देखो नोट्स भी हम लोग देख के बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे बोला है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, हम लोग भी वैसे ही लिख देंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज फुल्ली पेड। थ्री लैख। अच्छा, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और यहाँ पर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड। 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड 2 लाख। फिर से शेयर कितना इशू हुआ था हम लोगों का सेकेंड टाइम, यहाँ पर जब शेयर इशू किया 5,000, तो यहाँ पर लिख देते उसी तरह से ही 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, क्योंकि कैपिटल में 10 वाला ही जाता है, प्रीमियम में चला जाएगा बाकी 5 रुपया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। अच्छा, और 3,000 होगा मैम। ओ हाँ 50,000 होगा, 5,000 इंटू 10। फिफ्टी थाउजेंड और कितना बोनस शेयर इशू हुआ? 5,000 5,000। अच्छा 5,000 बोनस शेयर, 5,000 बोनस शेयर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लिख देते हैं। एट द रेट ऑफ 10 आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड पीएल, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड पीएल, तो इसमें भी 50,000, तो टोटल कितना बन रहा है? 50-50, 1 लाख और यहाँ पर 2-3 लाख, है ना? ये तो नहीं लिखना होता है बैलेंस शीट में, क्या लिखा जाता है? जो इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड है ये तो लिमिट है, ये नहीं लिखते हैं, लिमिट में से जितना यूज हुआ है उतना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी नोट बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस, तो देखो पहले से कितना कितना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 1,20,000, इसमें से पहले यूज किया गया है, तो पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000, लेस कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम के लिए यूज हुआ 3,600। अच्छा, बोनस के लिए यूज हुआ यूटिलाइजेशन फॉर बोनस, बोनस बोनस के लिए 25,000 यूज हुआ। अच्छा, डीआरआर क्रिएट के लिए यूज हुआ यूटिलाइजेशन फॉर डीआरआर, डीआरआर के लिए कितना यूज हुआ था? पीएल से कितना चार्ज करना पड़ा था डीआरआर के लिए? 12,000। कहाँ पर लिखा है मैंने? हाँ ये रहा 12,000, 12,000। अच्छा माइनस कर लेते हैं तो पीएल का पता चल जाएगा कितना हो रहा है, 1,20,000 माइनस 3,600 79,400, पीएल का हो गया 79,400। अच्छा
सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ था वो यूज भी हो गया, तो एक बार इसको भी शो कर देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 लेस यूटिलाइज्ड इन बोनस इश्यू 25,000, तो इसीलिए ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नीला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जनरल रिजर्व क्रिएट होगा, उसका एंट्री नहीं किया मैंने, जनरल रिजर्व भी क्रिएट होगा ना। जनरल रिजर्व कितना क्रिएट होगा, जितने का हम लोगों का DRR होता है ना, उसका एंट्री नहीं किया, एंट्री करना चाहिए था उसका भी। यहाँ पर यहाँ दिखा देते, ठीक है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है ना, DRR अकाउंट डेबिट, जितना DRR क्रिएट होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है टू जनरल रिजर्व 12,000, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो एक जनरल रिजर्व बना है जिसका वैल्यू है 12,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 12,079,400, कितना हो जाएगा 91,400 रिजर्व एंड सरप्लस, 91,400 रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर। बोलो ये डिवेंचर लिखना पड़ेगा क्या, अभी डिवेंचर बचा है कि लिखे हम लोग, क्योंकि सिर्फ डिवेंचर ही था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बहुत सारा चीज हो सकता है, बट सिर्फ 12% डिवेंचर था जो कि हम लोगों ने रिडीम कर दिया, क्या ये पॉइंट 2 आएगा? और नो मैम, तो डायरेक्ट पॉइंट 3 मतलब यहाँ पर पॉइंट 2 हो जाएगा, दैट इज करेंट लाइबिलिटी, ये तो होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, और इसमें कुछ डिटेल्स नहीं था तो इसका कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, 1,15,000 जैसा था वैसा ही लिख देंगे, और तो कुछ नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाद में एसेट साइड से टैली कर लेंगे। 391,400, 1,15,000, तो ये हो जाएगा 5,06,400। अच्छा, अब हम लोग एसेट साइड बना लेते हैं, सेकेंड यहाँ पर एसेट। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट, पहला नॉन करेंट एसेट्स, इसमें तो हमारा कोई चेंजेस है नहीं, जैसा है वैसा ही होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको PPE बोलते हैं, हम शॉर्ट में PPE लिख रहे हैं, एज इट इज ही हमें नोट्स भी बनाना पड़ेगा, जैसा नोट्स है वैसा ही, वैल्यू 1,15,000 हो जाएगा। नोट्स बना लेते हैं फोर्थ नंबर पे, 4 लिख दिया मैंने, ये 3 होना चाहिए था। इसका नोट्स एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी PPE, इसके अंडर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नोट्स नंबर अमाउंट, ऑन करेंट हो गया, करेंट एसेट, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज आएगा, करेंट एसेट्स इन्वेंट्रीज जितना है उतना ही, विदाउट एनी नोट्स है तो हम लोग भी विदाउट एनी नोट्स ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई इंक्रीज डिक्रीज है नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 75,000,
कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें नोट्स है तो ये नोट्स नंबर 4 हो जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस 2,30,000, ये दोनों मिला के था, देखो 2,30,000 ये दोनों मिला के था, तो हम लोग नोट्स बना लेते हैं, नोट्स नंबर 4 होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसमें चेंजेस होगा लेकिन, ठीक है, तो कैश इन हैंड में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज रहेगा, कैश एट बैंक में चेंजेस होगा। तो कैश एट बैंक पहले से कितना था, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है कंपनी का वो थ्रू बैंक अकाउंट ही होगा, तो 2,00,000। अब देखो पूरे जगह पे जो भी हम लोगों ने एंट्री किया वहां पर टू बैंक बाई बैंक कहाँ कहाँ हुआ है, तो पहले शेयर इशू किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 75,000, तो ऐड करेंगे 75,000 बाई इशूइंग शेयर, और यहाँ पर तो फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब पेमेंट हुआ है 1,23,600 टू बैंक बोल के, और यहाँ पर एक बैंक आया है जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा और इन्वेस्टमेंट खरीदा 18,000 एड 18,000 लेस, ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐड करेंगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर का इशू करके हमें कितना मिला है 75,000, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे, ऐड कर देते, पहले लेस कर देते हैं, ठीक है, लेस कर देंगे डी आर आर आई परचेज, हम लोगों ने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट खरीदा 18,000, फिर डी आर आर आई सेल, तो पैसा आ गया 18,000। अच्छा अब हम लोगों ने पेमेंट किया डिवेंचर होल्डर को, पेड टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैश इन हैंड जैसे है वैसे ही दिखाना पड़ेगा, कैश इन हैंड है 30,000 और इसका कैलकुलेशन करने पे जितना आएगा उसका टोटल, तो 1,23,200 प्लस 75,000, तो 2,75,000 माइनस 18,000 प्लस 18,000 न्यूट्रल हो गया, कोई इफेक्ट नहीं है, 1,23,600 माइनस हो जाएगा 1,51,400 और ऐड हो जाएगा 30,000 1,81,400। अब हमें चेक करना है कि टैली हो रहा है कि नहीं, 1,81,400 प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर दिख जाएगा टैली हो रहा है कि नहीं, 75,000 1,35,000 और ये हो गया 1,15,000 5,06,400। हाँ टैली हो रहा है, यहाँ पर ए बी सी दिया था तो यहाँ भी दे देते हैं 5,06,400, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 6, द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड है तो डीआरआर और डीआरआरआई दोनों ही बनेगा, ठीक है। अब इनका बैलेंस शीट दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर करेंट लाइबिलिटी, सेम वैसा ही दे रखा है। देखो शेयर कैपिटल 5,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 करके 50,00,000, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, पीएल है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी है, DRR ऑलरेडी क्रिएटेड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर, अच्छा 1,00,000 डिवेंचर ऑफ 100 इज अदर लोन्स, अच्छा यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो सिर्फ डिवेंचर का नहीं है, 13.5% एक कन्वर्टेबल डिवेंचर है और यहाँ पर एक अदर लोन भी है, टोटल 1,65,00,000 का नॉन करेंट लाइबिलिटी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 15,00,000, द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2001, रिडेम्पशन के लिए 1 अप्रैल 2001 में ड्यू किया गया है, द टर्म ऑफ इश्यूज ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 105 करके मिलेगा
and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price of 15.75 per share and payment in cash. तो बोल रहा है कि debenture holder को conversion का भी option दिया जाएगा, तो सभी अपने holding का 20% conversion करवा सकते हैं और ये option exercise कर सकते हैं. Conversion पे equity share मिलेगा जिसका value है 15.75, ठीक है. अच्छा, और ये पैसा कैश में देना पड़ेगा, यही बोल रहा है. अब देखो क्या बोला है नीचे. एक्सेप्ट 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन. बोल रहा है कि 100 डिवेंचर होल्डर, 100 डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास टोटल 25,000 डिवेंचर होल्डिंग पे है, उनके अलावा बाकी सभी ने ये एक्सरसाइज जो है ऑप्ट किया है, ठीक है, मैक्सिमम कन्वर्जन का, यानी मैक्सिमम 20% कन्वर्जन करवा सकते. द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल, जब इन्वेस्टमेंट मतलब बेच दिया गया रिडेम्पशन पे इन्वेस्टमेंट को, तो पार ऑन सेल पे ही, मतलब सेल जो हुआ है वो पर वैल्यू पे हुआ है, यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो पर वैल्यू पे ही रिडीम हुआ है, तो जितना है उतने पे ही होगा. ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1st April 2001. तो बोल रहे सारा ट्रांजेक्शन हो गया है 1st April 2001 को. रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, हमें बैलेंस शीट को फिर से दिखाने के लिए बोल रहा है कि आफ्टर रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर कैसा होगा. आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडेम्पशन, सो योर कैलकुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी टोटल एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट. तो कुछ वर्किंग नोट्स भी हमें दिखाने के लिए बोल दिया है और बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करना है, रीड्राफ्ट करना है बैलेंस शीट को, ठीक है. तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को हमें इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा कन्वर्जन पे. तो वो कैलकुलेशन करेंगे जो आज हम लोगों ने एकदम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था. तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. तो टोटल ये वर्किंग नोट बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर. तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है पहले वो देखेंगे कि टोटल कितने डिवेंचर है. नोट्स में जाके देखना पड़ेगा टोटल डिवेंचर कितना है. नंबर 1 लाख, 1 लाख 100 करके तभी तो हुआ है 1 करोड़ हुआ है ना. हाँ 1 करोड़, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा 1 लाख. अच्छा, इसमें से ऑप्शन जिन्होंने नहीं लिया है उनका लेस कर देते हैं. नंबर ऑफ डिवेंचर्स फॉर विच डिवेंचर होल्डर not opt for conversion, conversion नहीं करना चाहते, ऐसे कितने डिवेंचर है. डिवेंचर होल्डर देखो कौन सा नंबर लेना चाहिए हमें, ये 100 लेना चाहिए या 25,000 लेना चाहिए. 100 डिवेंचर होल्डर्स है जिनके पास टोटल 25,000 डिवेंचर है, मतलब 100 लोगों के पास टोटल 25,000 डिवेंचर है. अब किसके पास कितना है वो तो इंडिविजुअली नहीं बताया गया है, तो यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा 25,000. इतने लोग ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करने वाले, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 75,000 का, ठीक है. लेकिन ये पूरा नहीं होगा, 20% ऑफ 75,000 जो है ये कन्वर्जन हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि फुल्ली कन्वर्जन नहीं है. तो कितना होगा 75,000 का 20%, हाँ 15,000, ठीक है. 15,000 का कन्वर्जन होगा. अब 15,000 का कन्वर्जन इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्जन. ये तो नंबर ऑफ कन्वर्जन हो गया, वैल्यू क्या होगा 15,000 का, वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्जन. अब इन्हें क्या देना है, इतने नंबर ऑफ डिवेंचर को हमें देना पड़ेगा इक्विटी शेयर, कितना वाला 15.75. तो वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवेंचर रिडीम कितने पे हो रहा है पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इसे डिवाइड करेंगे. हाँ मैंने तो डिवेंचर रिडीम लगाया नहीं, सॉरी, मैंने ये इक्विटी शेयर वैल्यू लगा दिया गलती से. डिवेंचर रिडीम हो रहा है 105 करके था शायद, हाँ ये रहा 5%, 105, 15,000 इंटू 105, तो वैल्यू हो जाएगा 15,75,000, ठीक है. वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर 15,75,000 ये रुपीज में आ गया. इतना पेमेंट करना था, इसके जगह हम लोग शेयर दे देंगे. अब एक एक शेयर का वैल्यू लगाया है हम लोगों ने 15.75, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ देखो कितना हो रहा है,
1 लाख हो रहा है मैम। हाँ 1 लाख, 15,75,000 डिवाइडेड बाय 15.75, एक एक शेयर का वैल्यू है, तो टोटल 1 लाख शेयर्स इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग रीड्राफ्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट को। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने का था, एक बोला था ना ऑल द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड ऑन पार, ये भी देख लेते हैं। ऑन करेंट इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये तो 15 लाख है वाले पे देखते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हाँ 15 लाख का है। अच्छा तो 15 लाख का बेच दिया, 15 लाख पे ही बेचा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। जो 15 लाख है बस वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता और कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत है, अगर जरूरत होगा तो हम लोग कर लेंगे। तो अब बैलेंस शीट देख के हम लोग रीड्राफ्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट को। यहाँ पर ये वाला पेज हम छोड़ ही देते हैं, अगर कुछ वर्किंग नोट का जरूरत होगा तो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं, कन्वर्टिबल लिमिटेड कंपनी का नाम था। तो इसका जनरल एंट्री नहीं है? नहीं जर्नल नहीं बोला है, बोला है सिर्फ रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट बोला था, और गिव द नेसेसरी इंटरेस्ट, रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट टू रिडेम्पशन, सो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एलोटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। अच्छा कैश पेमेंट का भी वर्किंग करने बोला है, ठीक है कर लेंगे, इक्विटी शेयर का तो निकाल लिया। अच्छा अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस शीट As at 1st of April 2001, particulars. Note number, amount. सबसे पहले आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। ये एकदम स्टार्टिंग का हो गया, ठीक है सॉरी 1-2 होगा, मैंने ये लिख दिया 1 और यहाँ पर 2, नोट्स तो बनेगा ये दोनों पे। अच्छा नोट्स के लिए यहाँ से आधा जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना था, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, अभी कितना हो जाएगा, 5 लाख था और अभी हम लोग को कितना इशू करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1 लाख, तो टोटल कितना शेयर हो जाएगा, 6 लाख, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ से हम लोगों ने 6 लाख कैसे हुआ, वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पर चाहो तो एक बार लिख दो एग्जिस्टिंग था 5 लाख और न्यू कन्वर्जन के बाद शेयर और भी बन गया 1 लाख, तो ये हो गया 6 लाख, 10 करके कितना हो गया 60 लाख, तो 60 लाख हम लोगों का यहाँ पर शेयर कैपिटल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस,
देखते हैं पहले रिजर्व सरप्लस था क्या. जनरल रिजर्व था 90 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस था 10 लाख, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था 10 लाख. पहले हम लोग ये सारा चीज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो हमारा क्या रिजर्व वगैरह बन रहा है वो भी चेक करेंगे. तो जनरल रिजर्व है तो ये लिख देते हैं जनरल रिजर्व. इसमें कुछ एडलेस भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई यूटिलाइजेशन होगा नहीं. मतलब डिवेंचर रिडीम हो रहा है बोल के जनरल रिजर्व का तो कोई यूज नहीं है, उसके लिए तो DRR यूज होता है. तो जनरल रिजर्व जैसा है वैसा ही रह जाएगा 90 लाख. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 10 लाख, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख, DRR ये पहले से ही 10 लाख बना हुआ है इन लोगों का. ठीक है, हमें कितना DRR बनाना पड़ेगा, हम लोग रिडीम कितना डिवेंचर करने वाले हैं, इसका 10% हो जाएगा ना इस अमाउंट का, इतना डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं. इतना पूरा नहीं, मतलब इसमें कन्वर्जन भी होगा वैसे भी. ठीक है, इसका फुल्ली तो चेक करेंगे ना, इसका पूरा 10% कितना हो जाएगा, 10 लाख. और 10 लाख तो बना हुआ ही है. ठीक है, 10 लाख बना हुआ है पहले से ही. ये देखो DRR 10 लाख. अच्छा, टोटल कितना हो रहा है, 1 करोड़ 10 लाख. 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, ये हो गया टोटल. ठीक है, अब प्रीमियम, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम यूज होगा तो PL कम होगा. तो यहां पर से लिस्ट करके दिखा देते जो भी यूटिलाइज्ड हुआ है. यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो कितने, 5 लाख होगा. ठीक है, टोटल 1 लाख. 1 लाख जो है यहाँ पर, 1 लाख पे ही तो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा. अब चाहे वो कन्वर्जन हो या कुछ भी पेमेंट हो, कन्वर्जन में भी तो हम लोगों ने प्रीमियम को कंसिडर किया है ना. ये देखो 1 लाख 5, ठीक है, सॉरी 105. तो प्रीमियम जो है वो सभी को पेमेंट होता है, चाहे मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, 5 रुपया करके. तो फिर 5 लाख यहाँ से कम हो जाना चाहिए. बेसिकली वो पीएल से कम हो रहा है. हम लोग टोटल पूरा रिजर्व दिखा के वहां से कम करके दिखा देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने शेयर जब इशू किया तो एक प्रीमियम भी जनरेट हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो ऐड कर देंगे. शेयर जो है वो प्रीमियम का है ना 15. ये देखो शेयर कितने का था, यहाँ पर लिखा हुआ था 15.75. हाँ, 5.75 प्रीमियम था. कितने शेयर पे, 1 लाख शेयर पे. 1 लाख शेयर इशू करना पड़ेगा, तो 5,75,000. तो टोटल करने से पता चल जाएगा कितना रिजर्व हो रहा है. ये माइनस होगा, ये प्लस होगा. तो ये 5 लाख और ये माइनस होने से 75,000 ही बचता है. तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 ऐड हो जाएगा ना, 1 करोड़ 10 लाख 75,000. हाँ, 1 करोड़ 10 लाख 75,000 यही अमाउंट रिजर्व सरप्लस में पुट हो जाएगा. 1 करोड़ 10 लाख 75,000 रिजर्व सरप्लस बन गया. अच्छा, ई ड्राफ्ट हो रहा है बैलेंस शीट. रिजर्व सरप्लस तक हम लोगों ने कर लिया. नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 2 था यहाँ पर. देखो उस क्वेश्चन में नहीं लिखना पड़ा था बिकॉज वहाँ सिर्फ डिवेंचर था, बट यहाँ पर अदर लोन है तो अदर लोन तो रह जाएगा. तो नोट्स बनेगा नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट्स नंबर 3. लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अदर लोन बचा हुआ है 65 लाख का. अदर लोन 65 लाख, तो ये पुट हो जाएगा. अच्छा,
करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी 1,25,00,000, करेंट लायबिलिटी 1,25,00,000. तो कितना हो जाएगा 60,00,000. 60,00,000 टोटल कितना हो गया मैम? वो तो चला गया ना, मतलब डिवेंचर तो चला गया ना, सिर्फ ये दोनों ऐड होगा ना? डिवेंचर तो नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो जो अदर लोन है वो लिखा, ये सारा ऐड होगा, ये तो मेन बैलेंस शीट है. 60,00,000, 1,10,75,000. 60,00,000, 1,10,75,000. अच्छा 65,00,000, 1,25,00,000, 3 करोड़ आ रहा है, 3,60,00,000, 75,000. ये आ गया लाइबिलिटी साइड, 3,60,00,000, 75,000. अब एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट्स देखते हैं. नॉन करेंट एसेट में क्या था? पीपीई 1,60,00,000, पीपीई 1,60,00,000. इसका कोई नोट्स नहीं बना हुआ है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या ये आएगा? ये बोला था सेल हो गया है, क्या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा 15,00,000? ये चला गया है, ये नहीं आएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है. अब करंट एसेट लिख लेते हैं. करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स तो 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ है ये वाला. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है इसमें चेंजेस होगा, ठीक है, क्योंकि ये 75,00,000 तो था लेकिन पेमेंट वगैरह हुआ है, डिवेंचर रिडीम हुआ है, तो चेंजेस तो जरूर होगा. इसका हमें अलग से वर्किंग नोट भी बनाने के लिए बोला था, ठीक है, तो ये 4th नंबर में आ जाएगा. अगर हम लोग इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 75,00,000, ये लिख लेते हैं. अब वर्किंग नोट जो हमें बनाने के लिए बोल रखा है कि वर्किंग नोट बनाओ पेमेंट का, तो वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद वहां पर भी एडजस्टमेंट दिखाएंगे. तो वर्किंग नोट नंबर टू यहाँ पर दिखाएंगे कितना कैश का जरूरत होगा. देखते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना था जो रिडीम होगा, चाहे वो कन्वर्जन होके हो चाहे वो पेमेंट करके हो, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर था 1,00,000, ठीक है. इसमें से कन्वर्जन कितने का हो गया? कन्वर्टेबल डिवेंचर ये कितना निकला था? कन्वर्टेबल डिवेंचर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 15,000, ठीक है. तो 15,000 तो इक्विटी शेयर लेके मान जाएंगे, बाकी बचे जो 85,000 उनको क्या देना पड़ेगा? बाकी जो 85,000 बच रहा है उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है. तो इनका रिडेम्पशन कितने का होगा? इनका रिडेम्पशन वैल्यू देखते हैं, सेम उसी तरह से ही कैलकुलेट करेंगे. रिडेम्पशन वैल्यू 105 से एट द रेट ऑफ 105, हाँ इनटू करो
89,25,000 अच्छा 89,25,000 इनका रिडेम्पशन वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें पैसे का जरूरत है, तो हम लोग पैसा जुगाड़ करेंगे। तो बैलेंस कितना था देख लेते हैं पहले। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये था 75 लाख, अभी देखा हम लोगों ने, ये था 75 लाख। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, तो हम लोगों के पास पैसा आ गया होगा। कितने में बेचा है, जो वैल्यू था उसी में, मतलब पर वैल्यू 15 लाख में, तो 15 लाख इसमें ऐड कर देंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, 90 लाख। हम लोग पेमेंट कितना करेंगे, 89,25,000 बच जाएगा, हाँ 89,25,000 बचेगा, 75,000 तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, 75,000। तो ये वर्किंग नोट हम लोग को बनाने के लिए बोला था, इसको हम वर्किंग नोट नंबर 3 देते थे, लेकिन जब तक ये नहीं बनेगा ये वर्किंग नोट नहीं बन सकता है। अब हम लोगों को यही वाला चीज यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग इतना यहाँ पर लिख देते हैं, एड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख, लेस कर देते हैं पेड टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ पर दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 3 से ये कैलकुलेट किया है 89,25,000, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होके आ रहा है 75,000, ये वाला यहाँ पर पुट हो जाएगा 75,000। अब चेक करना पड़ेगा दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। यस मैम टैली हो रहा है, 3,63,60,75,000, 3,60,75,000, ठीक है। तो बिना जर्नल एंट्री पास किए भी हम लोग बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बना के भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला थोड़ा सा अलग है, हम लोग पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पर एक अंडरराइटर का कंसेप्ट आएगा। लिब्रा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी है, तो इसका क्या बनेगा, दो तो नहीं बनेगा, एक ही चीज बनेगा, DRR और DRRI नहीं बनेगा, DRRI बनेगा सिर्फ, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो रिसेंटली मेड ए पब्लिक इश्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड 2 लाख, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड मतलब डिवेंचर जो इशू किया गया वो पार्टली कन्वर्टेबल है, फुल्ली नहीं है, ठीक है। जैसे पहले भी हम लोगों ने पार्टली कन्वर्टेबल ही किया ना, जो होल्डिंग है उसका 20%, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर, फेस वैल्यू भी जितना है इशू मतलब पार पे इशू हुआ है, कन्वर्टेबल ऑप्शन पर डिवेंचर 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, तो इशू बंद होने के बाद 6 महीने के अंदर कन्वर्टेबल हो सकता है और 60% है, पार्टली यहाँ 60% है, पहले जैसे 20% था। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट का क्लोजिंग डेट 1/5/2001, अलॉटमेंट किया गया है 1/6/2001, और डेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट डेट से ही पेएबल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, फेस वैल्यू 10, मतलब कन्वर्जन जो होगा उसका जो इक्विटी शेयर दिया जाएगा उसका वैल्यू बोला है फेस वैल्यू 10 और जो कन्वर्जन मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो 60 है, मतलब प्रीमियम 50 है, 60 में फेस वैल्यू अगर 10 है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी 15% बता दिया है, ठीक है, और डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन का क्लोजर डेट और अलॉटमेंट का डेट बता दिया है। अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर जो होते हैं वो कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, वो कंपनी को शेयर हो डिवेंचर हो ये बिकवाने में हेल्प करते हैं। अगर कंपनी पूरा डिवेंचर नहीं बेच पाती है मतलब 100% सब्सक्राइब नहीं करवा पाती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, अंडरराइटर क्या करेगा, जितना डिवेंचर इशू नहीं होगा मतलब पब्लिक नहीं लेगी उतना वो खुद ले लेगा, ठीक है, और ये काम करने के लिए ये अपना कमीशन लेगा 2% बोला है रेट, और कमीशन हमेशा इशू प्राइस जो होता है सॉरी जो फेस वैल्यू होता है उसी पे लगेगा।
नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000, तो 2 लाख इशू किया गया था, बट 1,50,000 डिवेंचर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, तो बोलो अंडरराइटर को कितना डिवेंचर खरीदना पड़ेगा? 2 लाख कंपनी का टारगेट था, लेकिन अगर 1.5 लाख डिवेंचर पब्लिक ने मतलब अप्लाई किया है, तो फिर कितने डिवेंचर जो है वो अंडरराइटर को खुद से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसी हिसाब से ही काम करते हैं। हाँ, 50,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30th September 31st of March विद द रिलेवेंट जर्नल इंटरेस्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2002 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। बस एंट्रीज हमें करने के लिए बोला है, तो देखो एंट्री कैसे होगा। तो सबसे पहले डिवेंचर इशू का एंट्री होगा, तो पब्लिक से हमें कितना मिलेगा 1/5/2001 को, जो भी मिलना है वो उसी डेट में लास्ट मिलेगा। लास्ट अगर क्लोजर डेट ये है, जो भी पैसा रिसीव होना है उसका कैलकुलेशन तो 1/5 को ही होगा लास्ट, ठीक है? तो 1/5/2001, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना पैसा मिलेगा, हम लोग ये वाला एंट्री करते हैं पहले, पब्लिक से कितना मिल रहा है, तो 1,50,000 × 100, क्योंकि 100 वाला था, तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख, नहीं 1 करोड़, ओ 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, सॉरी। अच्छा, अब इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मतलब अलॉट करेंगे, तो अलॉट कब हो रहा है 1/6 को, तो 1/6 को अलॉट कर लेते हैं, तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जब कंपनी अलॉट करेगी तो वो चेक करेगी कि मेरा फुल्ली जो है वो मतलब इशू हुआ है कि नहीं, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं, अगर जितना भी कम हुआ है वो अंडरराइटर को लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, बाकी अंडरराइटर को डेबिट कर देगा ये लोग, ठीक है? अंडरराइटर को डेबिट करने का मतलब है अंडरराइटर को डेटर की तरह ये लोग बना रहे हैं कि अंडरराइटर से पैसा ले लेंगे, जैसे यहाँ पर पब्लिक से लिया, पब्लिक ने 1.5 लाख ही अप्लाई किया जबकि इनका टारगेट 2 लाख था, इन्होंने अंडरराइटर अपॉइंट किया है तो इनका ऐसे भी फुल्ली सब्सक्राइब होना ही है क्योंकि अंडरराइटर कर देगा, तो अंडरराइटर से पैसा मिल जाएगा। अब बोलो कितना पैसा मिलेगा अंडरराइटर से, 50,000 है ना, 1.5 लाख में, हाँ 50,000 × 100, 50 लाख, 50 लाख इनसे मिल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 15% डिवेंचर, तो कितना हो जाएगा 2 करोड़, ठीक है? एरा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, 2 करोड़ हो गया डिवेंचर जो है, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा सब्सक्राइब करवा लिया है थ्रू पब्लिक ने जितना किया और बाकी अंडरराइटर से करवा लिया। अब अंडरराइटर को देना पड़ता है कमीशन, वो फ्री में थोड़ी ना काम कर रहेंगे, अंडरराइटर को देना पड़ेगा कमीशन 2% ये काम करने के लिए, ठीक है? तो उसी डेट पे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर अंडरराइटर का काम कंप्लीट हो गया है, शेयर जो डिवेंचर है वो सब्सक्राइब हो गया है, तो अंडरराइटर को तो कमीशन देना पड़ेगा, तो अंडरराइटर को कमीशन देना कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर को पे करना है, अंडरराइटर्स को क्रेडिटर बना देते हैं, अंडरराइटर्स को पे करेंगे ना, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स जिनको पे करना है, कितना पे करना पड़ेगा, जितना उन्होंने पेमेंट, ये नहीं होता है कि उन्होंने कितना खरीदा है, क्योंकि ये पूरा जो सब्सक्रिप्शन वाला काम है ये करवाते हैं, तो जितना शेयर सब्सक्राइब होगा, चाहे वो खुद कर रहे हैं चाहे वो पब्लिक से करवा रहे हो, पूरे डिवेंचर पे, हम बार बार शेयर बोलते रहे गलती से, पूरे डिवेंचर पे जो है उनको कमीशन मिलेगा 2%। तो उन्होंने टोटल कितना डिवेंचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, 2 लाख, मतलब उन्होंने कोशिश किया कि पब्लिक ले ले, ठीक है, पब्लिक ने बस इतना ही लिया, बाकी उनको लेना पड़ा, लेकिन कमीशन उनको पूरे उतने पे ही मिलेगा जितने का एग्रीमेंट उनका कंपनी के साथ बनता है, ठीक है? तो 2 लाख, अच्छा 2 लाख मैंने बोला कौन से प्राइस पे होता है, हमेशा फेस वैल्यू इंटू 2%, बताओ कितना हो जाएगा, 4 लाख का हम लोगों ने ड्यू कर दिया है
अंडरराइटर को कमीशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग एक एडजस्टमेंट करेंगे, मेरा इस पेज में गलती से लिखना हो गया। अंडरराइटर से कंपनी को मिलेगा 50 लाख, क्योंकि अंडरराइटर को डिवेंचर परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट इसी तरह से होता है, जो नहीं बेच पाए वो हम लोग खुद खरीद लेंगे। तो कंपनी को मिलेगा, कंपनी के लिए अंडरराइटर एज ए डेटर है फॉर 50 लाख, और एज ए क्रेडिटर है, पेमेंट करना पड़ेगा कमीशन 4 लाख। तो बोलो, कंपनी को पैसा मिलेगा अंडरराइटर से, या कंपनी को अंडरराइटर को पैसा देना पड़ेगा? डेबिट तो हो रखा है। और एक बार बोलो, बात कट गया। मैम कंपनी को मिलेगा अंडरराइटर से, हाँ, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? कंपनी को मिलेगा तो हम लोग को तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? अंडर राइटर, क्योंकि डेटर से जैसे पैसा मिलता है तो बैंक टू डेटर हो जाता है, तो टू अंडर राइटर्स हो जाएगा। हाँ बोलो, 46 लाख आएगा कि मतलब अमाउंट कट करके दिखाएंगे या फिर 50 लाख पूरा दिखाएंगे? नहीं, अमाउंट कट करके दिखाएंगे, एडजस्ट करके दिखाएंगे। 46 लाख, हाँ, 50 लाख माइनस 4 लाख, 46 लाख नेट एंट्री करके दिखाना है कि 46 लाख का हम लोग अंडरराइटर से पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को DRRI भी बनाना पड़ेगा, तो DRRI बनाते हैं टू बैंक। कितना होता है? जितना डिवेंचर रहता है उसका 15%, तो 2 लाख डिवेंचर 100 वाला इंटू 15%। अच्छा, रिडेम्पशन जितना होता है उतने का ही बनेगा। अभी देखो, पूरा रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, 60% का क्या है यहाँ पर? रिडेम्पशन क्या पूरा हो रहा है? देख लेते एक बार क्या नहीं, बोला था। कन्वर्जन हो, कन्वर्जन हो रहा है, तो कितना? 40% होगा, 60% जो है कन्वर्टेबल है, तो 40%, तो देखो कितना होता है। हम लोग उतना प्रोपोर्शन कर रहे हैं जितना हम लोग रिडीम करेंगे, तो ये हो गया 12 लाख। हाँ, 12 लाख हो गया। अच्छा, अब ये हो गया 1/6 तक का सारा कैलकुलेशन। ये जून था, ठीक है। जून के बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट का डेट कब आ रहा है। जून के बाद इंटरेस्ट का डेट आ रहा है 30th of September, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30th September को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? टोटल 2 लाख डिवेंचर होल्डर है, इनटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, यहाँ पर बोला था ना 15% पेएबल है। अच्छा, इशू कब हुआ था? उसके बाद से, मतलब अलॉटमेंट के बाद से काउंट करना चाहिए। तो जून, जून का एक तारीख, मतलब जून पूरा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितना हो जाएगा? ये डेट नहीं लेना है, अलॉटमेंट डेट से हमेशा लेना चाहिए। अलॉट होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हम डिवेंचर होल्डर हैं। सब्सक्राइब कर लिए जरूरी नहीं है, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक मतलब होल्डिंग है, इसका कंफर्मेशन नहीं होता है। तो इसीलिए 1/6 के बाद से ही हमें सोचना पड़ेगा। तो जून का पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सेप्टेम्बर पूरा, क्योंकि 4 मंथ्स का है ना, 4 मंथ। हाँ बोलो, कितना हो रहा है? 10 लाख हो रहा है ना? Yes ma'am. 10 लाख, ये हो गया 30th September। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन था कि 6 मंथ्स के बाद ही कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो, DRRI मैंने पूरा नहीं करके दिखाया। क्यों? मैंने जस्ट उतना प्रोपोर्शन करके दिखाया है। इसमें हम लोग पूरा भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग 100% ही पहले करके दिखा देते कितना DRRI होगा। लेकिन देखो, ये 1/6 को पहला रिडेम्पशन हो रहा है, तो उतने का मैंने DRRI दिखाया है, क्योंकि 6 महीने बाद होगा पहला रिडेम्पशन, इसके बाद 6 महीने बाद होगा। तो कौन सा डेट होगा बता सकते हो? जून के 6 महीने बाद ही कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू से। तो बताओ, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू से 6 मंथ्स बाद कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन का डेट कौन सा होगा? अक्टूबर, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 31st of October में पहला कन्वर्जन होगा।
तो 31st of October में कन्वर्जन होगा तो डिवेंचर चला जाएगा. एंट्री क्या होगा? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कन्वर्जन हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो ये सब एंट्री कितने कितने से होगा? 60 है 10 फेस वैल्यू है, ठीक है, तो ये 10 से हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा प्रीमियम, क्योंकि टोटल तो 60 है. और डिवेंचर कितना सारा हो जाएगा? डिवेंचर 60% कन्वर्जन मतलब कितना सारा डिवेंचर होगा? टोटल कितना था? 2 लाख 1 लाख 20 1 लाख 20 2 लाख और इसका 60% नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला था. पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू 2 लाख फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस कन्वर्टेबल ऑप्शन पर डिवेंचर 60%. तो ये हो जाएगा 1 लाख 20,000, ठीक है, तो 1 लाख 20,000. अच्छा, अब इसके लिए कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा? 1 लाख 20,000 और इस पे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. हम यही पर करके दिखा रहे हैं. 1 लाख 20,000 का वैल्यू कितना करके हो जाएगा? प्रीमियम पे रिडेम्पशन है क्या? चेक करते हैं. इश्यू प्राइस 100 पर वैल्यू, यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्टेबल पोर्शन डेट ऑफ क्लोजर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ पर्पस ऑफ कन्वर्जन अंडर नो डिवेंचर सॉरी नंबर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल. नहीं, यहाँ पर प्रीमियम तो कुछ नहीं बोला है, प्रीमियम तो कुछ नहीं बोला है. तो अगर पार पे रिडीम होगा तो फिर 100 करके देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12 लाख, ठीक है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा? मैम ওখানে फेस वैल्यू 10 রয়েছে, তার আগে তো 60 বলে अमाउंट রয়েছে. फेस वैल्यू 10 রয়েছে, তার আগে 60 বলে যে वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ এটা তো इक्विटी शेयर, এটা इक्विटी शेयर. এই দেখো ইকুইটি শেয়ারটা তো লিখবো আমরা এখন, এই যে এটা 10 আর 50 লিখেছি, ইকুইটি শেয়ার 10 রুপিস আর সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম 50. এটা আমরা ফাইন্ড আউট করছি কি আমাদেরকে যদি ডিভেঞ্চার কনভার্ট করছি আমরা, সেই কনভার্সনে কতগুলো শেয়ার ইস্যু করতে হবে, তবে আমরা শেয়ারের ভ্যালুটা লিখবো. এটা আমাদের কি এলো? ভ্যালু অফ রিডেমশন. আর ডিভেঞ্চারের কিছু না বললে 100, 1 লাখ 20,000 তো নাম্বার অফ কনভার্সন, কতগুলো ডিভেঞ্চারের কনভার্সন হচ্ছে, তাহলে 60%, তাহলে 2 লাখের 60%, এটা হয়ে গেল নাম্বার. নাম্বার হচ্ছে 1 লাখ 20, 1 লাখ 20টা ডিভেঞ্চার কনভার্ট হতে পারে ইকুইটি শেয়ারে. তা 1 লাখ 20 কে পেমেন্ট করতে হবে কত? 1 লাখ 20 × 100, আমি ঠিক লিখেছি তো ভ্যালুটা? 1 লাখ 20 × 100, তো 12 নাম্বার শেয়ার 2 লাখ আয়গা. আর এক জায়গা হবে কি? Yes, ma'am. हाँ. अब देखो number of shares फिर कितना हो जाएगा? Divided by 60 कर देंगे. Divided by 60. तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 2 लाख ही हो जाएगा. Yes, ma'am. अच्छा, अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख शेयर इशू होगा, है ना? तो 2 लाख × 10 कितना हो जाएगा? 20 लाख. और 50 × 2 लाख 100 लाख. और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लाख 20, मतलब डिवेंचर जो है इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, वो कितना वैल्यू होगा? इतना डिवेंचर कैंसिल हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, है ना? मतलब 120 लाख. ঠিক আছে, তো তথা 120 লাখ এবারে বোঝা গেল? ম্যাম বলছি এদের ক্ষেত্রে তখন ইন্টারেস্টটা কি আর হবে না, মানে নেক্সট ইয়ার ইন্টারেস্টটা আউটস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না এদেরকে? যে ইন্টারেস্ট, হ্যাঁ, এক মাসের ইন্টারেস্টটা দিতে হবে, আউটস্ট্যান্ডিং তো হচ্ছে এক মাসের, কারণ এটা লাস্ট সেপ্টেম্বরে দিয়েছি, তারপরে অক্টোবর, হ্যাঁ, তাহলে ইন্টারেস্টটা তো দেখাতে হবে, এক মাস আউটস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তো ইন্টারেস্টটা দিতে হবে, ইন্টারেস্টের এন্ট্রি করতে হবে. আচ্ছা, আমি ইন্টারেস্টটা এন্ট্রি ভি করনা পড়েগা, एक महीने का इंटरेस्ट हो जा रहा है ना, इंटरेस्ट का एंट्री भी करना पड़ेगा. सितंबर के बाद हम लोग अक्टूबर में कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का एंट्री तो होगा 1 मंथ का,
वन मंथ का इंटरेस्ट एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा तो क्या करें, अभी कर दे इसको 30th सितंबर को हुआ, सितंबर के बाद कंपनी जब इंटरेस्ट देगी तब कंपनी यहाँ पर टोटल दिखा दे कितना इंटरेस्ट होगा। देखो ऐसे करके अगर कर देते हैं तो हो जाएगा, 31st मार्च 2002 में फिर से कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा। मतलब देखो अब ये किसी से खरीद तो नहीं रहे, सॉरी मैंने लिखी दिया, देखो हम लोग ये किसी से खरीद तो नहीं रहे हैं डिवेंचर कि उनको पे करने के बाद इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेंगे उसके बाद डिवेंचर खरीदेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, बट लास्ट इंटरेस्ट देने के वन मंथ बाद किया, तो वन मंथ का इंटरेस्ट उनका लॉस हो जाएगा, तो उनको इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो कितने डिवेंचर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, 1,20,000, तो बच्चे कितने यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो 1,80,000 होगा कि 80,000 हो रहा है, 80,000 नंबर होगा अमाउंट में होगा, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन 80,000 डिवेंचर, 80,000 जो हो रहा है जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, इनको कितने टाइम का मिलेगा, 80,000 कौन सा वाला है, जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ इनको कितने मंथ का मिलेगा, इनको तो पूरा मिलेगा मैम 6 मंथ्स का, 80,000 इनटू 100 इनटू 15% इनटू 6/12 कितना हो रहा है, देखो छह लाख, इनका 6 लाख आ जाएगा। अच्छा और जिनको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया उनका वन मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है वो भी पे करना पड़ेगा, तो जिनको हम लोगों ने कन्वर्ट किया वो कितने थे नंबर, 1,20,000, 60% वाला जो था, तो 1,20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बीच में वन मंथ का जो गैप हो गया उसके लिए उन्हें वन मंथ का मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिला था कब, लास्ट मिला था सितंबर, उसके बाद अगर कन्वर्जन अक्टूबर 1st हो जाता ठीक है, अक्टूबर के एंड में हुआ, 6 महीना काउंट करके हम लोगों ने देखा अक्टूबर एंड में हुआ। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता था क्योंकि एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स बोला था, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू बोला था, अगर ये क्लोजिंग ऑफ इशू ना बोल के अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, तब ड्यू नहीं होता, एकदम डेट टू डेट हो जाता, इसीलिए वन मंथ एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इनको वन मंथ का मिलेगा क्योंकि वन मंथ तक ये लोग डिवेंचर होल्डर थे, आफ्टर वन मंथ इनको इक्विटी शेयर होल्डर बनाया गया, ठीक है, लेकिन इसको एक मंथ का जो इंटरेस्ट बच जा रहा है वो तो देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। अच्छा 1.5 लाख हो गया, तो टोटल 7,50,000, ठीक है। ये पेमेंट लेकिन कब करना पड़ेगा, ये पेमेंट हम लोग 31st मार्च 2002 को भी कर सकते हैं, ठीक है, 31st मार्च 2002 को भी कर सकते हैं, बीच में एक ड्यू एंट्री दिखा सकते हैं कि इन्हें देना पड़ेगा, ठीक है, और एट ए टाइम हमें 31st मार्च 2002 में हम लोग कर सकते हैं, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर करके उसी डेट में हम लोग ये वाले डेट में दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पर 31st ऑफ अक्टूबर 2002 में हम लोग दिखा सकते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर बोल के इन्हें देना पड़ेगा कितना, 1,50,000 ये ड्यू कर दिया, और 31st मार्च को जब हम लोग पेमेंट करेंगे सभी को इंटरेस्ट तो इनको भी कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया टोटल 7,50,000, या फिर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के 6 लाख दिखा देंगे और इसका जो है रिवर्स एंट्री डाल देंगे कि डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के 1,50,000, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो टोटल ऐसे दिखा दो, या फिर अगर हम लोग ड्यू एंट्री देंगे तो 31st मार्च को और एक एंट्री हो जाएगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,50,000। एक्चुअली ये अभी और डिवेंचर होल्डर रहे नहीं, इसी वजह से हमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री दिखाने से ही होगा क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुके इक्विटी शेयर में, जब हम लोग इसे 31st ऑफ अक्टूबर में इन्हें कन्वर्जन दे दिया तो ये ऑलरेडी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो अगर हम लोग ये ना करके
एकदम ये वाला भी करे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ वो आउटस्टैंडिंग वाला इंटरेस्ट तो हमें दिखाना चाहिए। अच्छा ये थोड़ा सा अलग था लेकिन क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन थ्री, इलस्ट्रेशन थ्री देखो। ऑन 1 अप्रैल 2001 इन एमके लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन अनलिस्टेड है तो दोनों बनेगा डीआरआर और डीआरआरआई, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि इनके लेजर में 9% डिवेंचर अपीयर्ड हो रहा है विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 फुल्ली पेड डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट पार, पार पे इशू हुआ था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दो बार पे किया जाता है हाफ ईयरली 30th September 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 31st of May 2001 द कंपनी परचेज 8,000 डिवेंचर ऑफ इट्स ओन एट द रेट ऑफ 98 में अपने ही डिवेंचर इन्होंने खरीदा है 98x इंटरेस्ट है। अच्छा ऑन सेम डे इट कैंसिल्ड द डिवेंचर एक्वायर्ड और कैंसिलेशन भी कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लेजर अकाउंट बनाने बोला है, बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या अकाउंट बनाएंगे हम, एक डिवेंचर अकाउंट बना लेते हैं। नेसेसरी बोला है, कुछ स्पेसिफिकली तो बोला नहीं है, तो एक डिवेंचर अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डीआरआर ये तो नेसेसरी है। और डीआरआरआई अच्छा तो पहले डिवेंचर जो है अपीयर कर रहा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला था कि 50 लाख का डिवेंचर अपीयर कर रहा है, डेट क्या था 1/4/2001 बाय बैलेंस बीटी 50 लाख। अच्छा यहाँ पर यही तक बोला था कि 9% वाला डिवेंचर है इतना दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर 31st of May को, तो क्या अप्रैल के बाद और 31st of May के बीच में कोई इंटरेस्ट डेट आ रहा है अप्रैल में जून? नहीं नहीं आ रहा है, 30th September है, तो हम लोग डायरेक्ट यही वाला एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। 31st of May को हम लोगों ने खरीद लिया है, कंपनी ने खरीद लिया है खुद का डिवेंचर, तो डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। एंट्री क्या था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, कितने में खरीदा है एट द रेट ऑफ 98 करके। कितना सारा डिवेंचर खरीदा गया है 98, डायरेक्ट लगा देते ना एक से इंटरेस्ट है, अगर एक से इंटरेस्ट नहीं होता, कम इंटरेस्ट होता तो फिर वहां से इंटरेस्ट लेस करना पड़ता। तो ये हो गया 7,84,000। तो प्रॉफिट है कि लॉस, और उसके बाद कैंसिल भी कर दे रहा है, तो कैंसिलेशन में और मतलब खरीदने के बाद कैंसिल करने में प्रॉफिट होगा कि लॉस? 100 वाला डिवेंचर 98 में इन्होंने खरीद लिया तो प्रॉफिट ही है। टू प्रॉफिट, हाँ टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, एक एक पे दो रुपए का 2 × 8,000 ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक डिवेंचर पे 2 रुपए का, तो यहाँ पर हो गया 16,000। बाकी का तो कुछ बोला नहीं है कि कुछ करना है इनका, तो 50 लाख था उसमें से 8,000 यानी 8 लाख चला जाएगा, मतलब फेस वैल्यू के साथ अगर हम लोग देखें तो बचेगा कितना, 8 लाख चला जाएगा, तो 42 लाख है ना, चेक करके देख सकते हो 42 लाख। ये 31st March को लेकिन क्लोज होगा, ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्री लास्ट में आता है ना, अकाउंट तो लास्ट में क्लोज होगा, तो मैंने यहाँ 31st March दे दिया। तो ये 50 लाख था टोटल, मतलब 5 लाख हो रहा है क्या, 5 लाख ही हो रहा है, 5 लाख में से 50,000 हो रहा है, 50,000 में से 8,000 चला गया, बचता है 42,000 into 10 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट चेक करेंगे, तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, देखो इंटरेस्ट वैसे तो सितंबर और मार्च में मिलता है, लेकिन 31st of May को जब हम लोगों ने डिवेंचर परचेस कर लिया है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिनसे परचेस किया है, तो उसका एंट्री हो जाएगा टू बैंक। कितना देना पड़ेगा, लास्ट इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक का जो गैप होता है, लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, मई के आगे क्या आता है, सितंबर या मार्च, मार्च अप्रैल मार्च
मार्च आएगा तो कितने महीने का ड्यू हो चुका था, मार्च में मिला था इनको, अप्रैल में इन्होंने होल्ड, हाँ अप्रैल और मई, 2 months का इन्होंने होल्डिंग रखा अपना, तो 2 months का इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा. 8000 इंटू 100 इंटू 2/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो जितना होगा ट्वेल्व थाउजेंड. अच्छा, अब इसके बाद जब इंटरेस्ट का डेट आएगा तब इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अच्छा, 31st ऑफ मई के बाद कौन सा आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30th सितंबर में इंटरेस्ट का डेट आएगा. हम एक एक अकाउंट पूरा ही क्लोज करते रहे, ठीक है. तो टू बैंक, अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8000 तो चला गया, तो कितना था टोटल ये, हाँ इस पे देना पड़ेगा, ठीक है, 42000 × 100 इंटू 9%. अब ये कितने मंथ का होगा, ये तो पूरा ही होगा 6/12, 6 months का है, हाँ. ₹1,89,000, ठीक है, 42,000. यस मैम, ठीक है, मेरा 10 ज्यादा आ रहा था, नहीं ठीक है, 1,89,000, ये 30th सितंबर का हो गया. और 31st ऑफ मार्च उसमें भी कितना होगा, सेम ही आएगा, ठीक है, इसका और कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सेम ही आएगा, क्योंकि और कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है बीच में, तो 42,000 ही डिवेंचर रह गया, ₹100 वाला, 9% इंटरेस्ट रेट वाला, 6/12, ठीक है. अच्छा, टोटल जितना हो रहा है ये पूरा पीएल में चार्ज हो जाएगा 31st ऑफ मार्च 2000, 3,90,000. ये अकाउंट भी मैंने पूरा ही क्लोज कर दिया. अच्छा, अब ये डीआरआर और डीआरआरआई, इसका किसी का भी हमें कुछ बैलेंस नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग खुद से बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम लोगों को तो रूल्स पता है कितना कितना परसेंट होना चाहिए. तो डीआरआर कितना बनेगा, डीआरआर बनेगा, हम लोग 1 अप्रैल को ही बनाएंगे, जब डिवेंचर इशू होता है ना तभी, एज सून एज पॉसिबल. तो 10% है ना, 10% पीएल से बनाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10% बनेगा. 10% इंटू कितना बना सकते हैं हम लोग, चाहे तो प्रोपोर्शनेटली भी बना सकते हैं या फिर फुल्ली भी, फुल्ली बना लेते हैं 50,000, ठीक है, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5,00,000. हाँ, टोटल डिवेंचर का 10% यानी 5,00,000. 5,00,000 बनाना पड़ेगा डीआरआरआई, और इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा 15%. तो इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2001 टू बैंक इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो वही 5,00,000 का हो जाएगा कितना, 15% जितना होगा 75,000. अच्छा, तो 75,000 होगा, 5,00,000 हो रहे हैं ना, 50,000 इंटू 100 ना, मेरा 10 कम है ना, 50,00,000 पे होगा ना मैम, 15, हाँ, मैंने गलती से 5,00,000 लिख दिया, मतलब 50,000 इंटू 100 जितना होगा उतने पे ही होना चाहिए. देखो कितना होता है, ऐसा ही होगा ना, सेम ऐसा ही होगा, ये 10% ये 15%, 10 मैंने कम लिख दिया था, हाँ 7,50,000. ये ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस खुद से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है. अब डीआरआर क्या होता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोग 31 मई जब रिडीम होगा, 31 मई को पहला रिडेम्पशन हुआ, इसके अलावा इस पूरे साल में किसी भी तरह का रिडेम्पशन नहीं हुआ है, तो हम लोग जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना रिडीम हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, तो टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हम लोगों ने रिडीम किया, 8,000, ₹100 वाला, तो इसका प्रोपोर्शनेट कितना होगा, 10%, मतलब कितना क्रिएट किया गया, हाँ 80,000, 50,000 से अगर 8,000 रिडीम हो रहा है तो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम लोग जीआर में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी बचा हुआ हम लोग बैलेंस दिखा देंगे 31st ऑफ मार्च 2001 टू बैलेंस सीडी. ₹4,20,000, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हमें रिडेम्पशन पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है, तो 31st ऑफ मई 2001 बाय बैंक
तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेल, अब सेल का तो कुछ बोला नहीं है कि लॉस में हुआ कि प्रॉफिट में, तो हम लोग पार में दिखा देंगे। तो 8000 पे जितना क्रिएट हुआ होगा उसका 15%, मतलब जितना होगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम लोगों ने सेल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। तो बाकी बच जाएगा 31 मार्च को बाई बैलेंस CD, 6,30,000 हो रहा है, 6,30,000 हो रहा है। तो यस मैम, बस ये बना है। और एक अकाउंट बना सकते हो तुम लोग, वो होमवर्क में कर सकते हो। ओन डिवेंचर अकाउंट एक मैंने सिखाया था, वो होमवर्क में कर सकते हो, नेसेसरी बोला है। तो ओन डिवेंचर अकाउंट भी चाहो तो बना सकते हो, जो नॉमिनल वैल्यू 3 कॉलम करके होता है वो वाला। अच्छा, इलास्ट्रेशन 4 सेम है, नया कुछ नहीं है, इसको भी हम होमवर्क देते, ठीक है। बस कुछ MCQ से डिस्कस कर देते, 4 या 5 ही है, ठीक है। पहले पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छे से पढ़ के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। पहला बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर कंपनी का ओनर है, ये तो गलत है, ये ओनर होते ही नहीं है। ए डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी लिक्विडेट होने पे ही क्या डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। ए डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड कैन बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम, क्या ये पॉसिबल है कि डिस्काउंट पे इशू हुआ प्रीमियम पे रिडीम हुआ? हाँ, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब हमें बोलना है कि कौन सा गलत है। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन लम सम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, क्या एक स्पेसिफाइड पीरियड जब खत्म होगा तो हम लोग लम सम डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? हो सकता है। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी जब तक जिंदा रहेगी तब तक डिवेंचर रिडीम हो ही नहीं सकता है, क्या ऐसा बात है? नो मैम, हो सकता है, हो सकता है। तो यही वाला फॉल्स है ना? तो फिर ऑप्शन बी क्या है, आंसर यही होगा ना, बोला है फॉल्स कौन सा होगा, तो ये भी ट्रू है। देखो, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, हो सकता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट तो होता ही है। अच्छा, थर्ड नंबर, फॉर डिवेंचर इशूड बाय अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFIS, बैंकिंग, NBFC, HFC, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ इट इज, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, कितना होना चाहिए नए रूल्स के हिसाब से, कितना परसेंट DRR, कितना परसेंट क्रिएट होता है? 10, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, हाँ, फोर्थ नंबर, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर द अकाउंट क्रेडिट विल बी, अगर हम लोग ओन डिवेंचर कैंसिल करते हैं, अभी अभी एक क्वेश्चन क्या ओन डिवेंचर का, तो बोलो कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट या बैंक अकाउंट? ओन डिवेंचर कैंसिल किया तो कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट होता है, अभी किया, लास्ट वाला क्वेश्चन ये देख, ओन डिवेंचर में, ओन डिवेंचर अकाउंट, ये देख, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, तो ये वाला हो जाएगा बी, डिवेंचर डेबिट होगा कैंसिल। अच्छा, फिफ्थ नंबर, छोटा सा कैलकुलेशन बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि एक कंपनी हैज इशूड 6% डिवेंचर ऑफ 10 लाख, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन 31st of March एंड 30th September, द कंपनी परचेस 10,000 डिवेंचर एट 96x इंटरेस्ट ऑन 1st August, दिस डिवेंचर वेयर कैंसिल्ड ऑन सेम डेट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर विल बी, तो डिवेंचर को जब कैंसिल किया गया तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बोलो। 10,000 डिवेंचर खरीद के कैंसिल कर दिया गया है 96 करके, तो कितने का डिवेंचर था? 9 प्रॉफिट, कितना, एक एक 100 का डिवेंचर 96, 400 रुपए करके, तो 10,000 ये रुपीस दे रखा है, ठीक है। तो रुपीस 10,000 का डिवेंचर कैंसिल हुआ तो फेस वैल्यू तो 100 होता है जब तक कुछ मेंशन ना कर दे, तो 100 डिवेंचर 4 रुपए करके 400 रुपए का प्रॉफिट बुक होगा, ठीक है। तो ये 5 का ऑप्शन बी। तो देखो, डिवेंचर जो है जितना भी कुछ हो सकता है प्रोबेबल, हम लोगों ने सभी कर लिया, ठीक है। और ये जो फोर्थ नंबर है, हम ये होमवर्क ही दे रहे हैं, अगर तुम लोग करके मुझे आंसर वांसर भेज सकते हो, और अगर हो जाता है मुझसे आंसर भी मांग के चेक करवा लो,
और यहाँ पर एक ओन डिवेंचर अकाउंट ओपन कर सकते हो जो मैंने बोला, और ये मेरे से चेक करवा सकते हो कि सही हुआ है कि नहीं। तो ये तो होमवर्क दे रहे हैं, तो डिवेंचर यहाँ ही हम लोग खत्म करें, ठीक है? डिवेंचर और हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है? तो आज यहाँ तक ही करते हैं। बाय बाय बाय। अच्छा।